हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार। आई नाउ स्टार्ट न्यू टॉपिक। डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी यानी कि एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की व्याख्या। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द materials can be explained by the concept on the concept of the energy band theory। यानी कि स्टूडेंट, एनर्जी बैंड थ्योरी के बेस पर मटेरियल्स की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की व्याख्या करना। तो देखिए स्टूडेंट, इन मटेरियल्स की व्याख्या सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मटेरियल्स दैट फॉर सॉलिड्स देखिए स्टूडेंट, सॉलिड्स को डिफरेंट कैटेगरी में बांटने के लिए मुख्य क्या है? नंबर वन, नेचर ऑफ द बैंड यानी कि बैंड का नेचर क्या है, प्लस ऑक्यूपाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर टू, विड्थ फॉरबिडन एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी बैंड। स्टूडेंट, किसी मटेरियल की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए हमारे लिए नेचर ऑफ द बैंड यानी कि बैंड का नेचर क्या है, प्लस ऑक्यूपाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी उस नेचर ऑफ बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। नंबर टू, विथ फॉरबिडन एनर्जी बैंड यानी कि जो बैंड है उन बैंड के बीच का जो गैप है वो गैप कितना है। इस बेस पर मटेरियल्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया या थ्री कैटेगरी में बांटा गया। देखिए स्टूडेंट, नंबर यानी कि
थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। नंबर वन कंडक्टर, नंबर वन कंडक्टर, नंबर टू सेमी कंडक्टर, नंबर तीन इंसुलेटर्स, कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है कंडक्टर के लिए, मेटल्स गुड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी, ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी यानी कि कंडक्टर्स मेटल एक अच्छी धारावाहक होते हैं, यानी कि गुड इलेक्ट्रिक सिटी यानी धारा फ्लो होने में इन मेटल्स में आसानी से करंट फ्लो हो जाती है, ऐसी मेटल्स को हम कंडक्टर मेटल्स कहते हैं। नंबर टू, नंबर टू इंसुलेटर, इंसुलेटर्स, इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी, डू नॉट इलेक्ट्रिक सिटी यानी कंडक्टर वे सबस्टेंस होते हैं जो धारा वाहक नहीं होते हैं, अर्थात इंसुलेटर सबस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होती है। नंबर सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर, देखिए स्टूडेंट सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, वाइल सेमी कंडक्टर हैव कंडक्टिविटी इन बिटवीन, इन बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि सेमी कंडक्टर वो सबस्टेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से मैक्सिमम और कंडक्टर से मिनिमम होती है, उन्हें हम सेमी कंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। तो स्टूडेंट हमें कंडक्टर पता चल गया, इंसुलेटर पता चल गया और सेमीकंडक्टर पता चल गया कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें आसानी से करंट फ्लो हो जाती है, इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होती है, सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें करंट कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा फ्लो होती है। अब स्टूडेंट हमको क्या है, हमको ये बैंड, बैंड क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो बैंड जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। देखिए स्टूडेंट बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कैसे बनते हैं, हमने क्या करा, सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए 1s2 2s2 p6
3s2 और 3p2। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मेटल्स है। इस मेटल के लिए या सबस्टेंस के लिए हम एक एनर्जी बैंड डायग्राम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, एनर्जी लेवल डायग्राम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2 2s2 p6 3s1 3s1, इसके लिए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस 3.67 एंगस्ट्रॉम होती है, 3.67 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि रियल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से कम होती है। देखिए स्टूडेंट, जब रियल एटॉमिक डिस्टेंस से कम होती है, उस कंडीशन में वो ऑर्बिट स्प्लिट नहीं होगी। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से क्या है, ये ऑर्बिट 3s2 और 3p2 के बीच ट्रांजिशन होता है, और ट्रांजिशन के कारण s टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है या टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और p क्या है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे, यानी कि डिवाइड होने के कारण क्या है, इन ऑर्बिट के बीच कपलिंग होती है, और कपलिंग में क्या होता है, एक s पॉजिटिव होता है और एक s नेगेटिव होता है, एक ऑर्बिटल नंबर होता है जिसको हम ls कपलिंग कहते हैं। उस कपलिंग के द्वारा ये ट्रांजिशन जो है स्प्लिट हो जाता है। उसका क्या डायग्राम होगा, देखिए स्टूडेंट, ये सिचुएशन स्टूडेंट हमको ये सिचुएशन हमको प्राप्त होती है ये क्या है आपका s 3s और 3p स्प्लिट होकर s और p दो ऑर्बिट के बीच ओवरलैपिंग हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, दो ऑर्बिट के बीच ओवरलैपिंग हो जाती है, ये क्या बन जाता है आपका, यहां से यहां तक का बैलेंस बैंड।
ये क्या हो जाता है वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड का मतलब होता है, देखिए स्टूडेंट, बैलेंस बैंड और ये स्टूडेंट बन गया हमारा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और ये क्या आपका ई जी फॉर विडन, एनर्जी गैप, फॉर विडन एनर्जी गैप या बैंड गैप ऑफ टू बैंड, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। देखिए स्टूडेंट, बैलेंस बैंड से डाउन साइड यानी बैलेंस बैंड से पहले के बैंड कंप्लीटली फुलफिल होंगे, बैलेंस बैंड भी फुलफिल होगा और पार्शली। स्टूडेंट कंडक्शन बैंड नॉर्मली फुलफिल होगा। तो कहने का मतलब है ये बन गया आपका ई जी, दिस इज द ओवरलैपिंग इन केस ऑफ सोडियम, इन केस ऑफ सोडियम। देखिए स्टूडेंट, सोडियम के लिए 3.67 एंगस्ट्रॉम इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस और रियल इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस से ये वैल्यू कम है यानी कि स्मॉल है, इसलिए 1s, 2s और 2p के ऑर्बिट स्प्लिट नहीं होंगे। इसका मतलब है 3s और 3p ऑर्बिट स्प्लिट होंगे, जिसके कारण बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का निर्माण होगा। तो ये स्टूडेंट हमारे कहलाते हैं बैलेंस बैंड और ये कहलाते हैं हमारे कंडक्शन बैंड। अब क्या है हमको एक्सप्लेन क्या करना है, कंडक्टर। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होता है स्टूडेंट, द बैलेंस बैंड परफेक्टली या कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड नॉर्मली फिल्ड, विथ नॉर्मली फिल्ड विथ एक्सट्रीमली स्मॉल, बैंड गैप, बिटवीन दम, यानी कि स्टूडेंट कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जो बीच का गैप होता है वो बहुत कम होता है। देखिए स्टूडेंट, तो यानी कंडक्टर के केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ सोडियम सिल्वर कॉपर द बैलेंस बैंड
कंप्लीटली फुलफिल्ड एंड कंडक्शन बैंड पार्शली पार्शली फिल्ड पार्शली फिल्ड सो ओवर ओवर लेपिंग ईच अदर ओवरलैपिंग ईच अदर। देखिए स्टूडेंट क्या है, ई जी इज इक्वल टू जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम सिल्वर कॉपर के केस में, यानी कि हम कहते हैं कि सिल्वर कॉपर और सोडियम ये कंडक्टर मेटल्स हैं, तो उन कंडक्टर मेटल्स के बीच बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलेप कर जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। देखिए स्टूडेंट इसका रीजन क्या है, रीजन है इसका कि ये दोनों बैंड क्या हुए, ये टू ऑर्बिट क्या हुए, स्प्लिट हुए, और स्प्लिट होने के कारण इन दोनों बैंडों के बीच ओवरलैपिंग हो जाती है। इसलिए कंडक्टर के केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी बैंड गैप जीरो होता है, अर्थात एक बैंड दूसरे बैंड पर ओवरलैप कर जाता है। इसलिए बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाता है और ये एक गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। जब इन मेटल्स के सिरों पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं और एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती हैं, इसलिए इन मेटल्स को कंडक्टर कहते हैं। तो ये क्या बन गया आपका कंडक्टर, तो ये हो गया आपका कंडक्टर। कंडक्टर में क्या है, सोडियम सिल्वर और कॉपर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट दूसरा इंसुलेटर, इंसुलेटर इन दिस केस बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड बिटवीन फॉरबिडन एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इंसुलेटर के केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जर्नली बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड सेपरेटेड लार्ज एनर्जी गैप
कंप्रेक्टली के टी यानी कि स्ट्रेंथ जर्नली बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो के टी के लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होने का मतलब है के बराबर क्या होता है 1.38 × 10⁻²³ जूल प्रति केल्विन। के बराबर हो गया, टी बराबर क्या है यानी रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। टी बराबर 300 केल्विन। तो देखिए स्टूडेंट के टी बराबर 1.38 × 10⁻²³ × 300 और जूल प्रति केल्विन इंटू केल्विन। केल्विन से केल्विन क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा के इंटू टी इज इक्वल टू 0.0408 × 10⁻¹⁹ जूल, -90 जूल। जबकि इसके केस में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 9.6 × 10⁻¹⁹ जूल, 19 जूल। यानी कि ये गैप 9.6 × 10⁻¹⁹ जूल के बराबर है, जबकि ये गैप क्या है 0.048 × 10⁻¹⁹ जूल के बराबर है। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए, तो उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता। देखिए स्टूडेंट इन केस ऑफ डायमंड के केस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन 4 इलेक्ट्रॉन का जो गैप होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब है यानी कि 9.6 × 10⁻¹⁹ जूल। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी जाए तो इलेक्ट्रॉन वो मिनिमम एनर्जी है, इस एनर्जी को प्राप्त करने के बाद या इससे मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त करने के बाद इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस केस में करंट फ्लो नहीं होती है, क्योंकि ये मेटल्स के एटम अपने इलेक्ट्रॉन को सैचुरेटेडली या स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, जिनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये करंट फ्लो नहीं करते हैं और एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इन मेटल्स को कुचालक कहते हैं। ये क्या हो गया आपका इंसुलेटर। तो स्टूडेंट हमको कंडक्टर पता चल गया और इंसुलेटर, अब हमारा क्या बचा सेमीकंडक्टर। देखिए स्टूडेंट ये क्या है बैलेंस बैंड, ये क्या है कंडक्शन बैंड रिप्रेजेंटेड बाय कंडक्शन बैंड, ये क्या है आपके बैलेंस बैंड। देखिए स्टूडेंट सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या है एट रूम टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर यानी कि 0 टेम्परेचर यानी कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर सेमी कंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, यह टेम्परेचर राइज, यह सेमीकंडक्टर
मेटल के सबस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, जिसके कारण करंट फ्लो होने लगती है। तो देखिए स्टूडेंट, वो मेटल्स कौन, सिलिकॉन, Si, जर्मेनियम, इनके केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है Eg बराबर अप्रॉक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। और ये क्या है, 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो यदि इनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन कर जाता है। इसका मतलब है कि जब इसका टेम्परेचर राइज किया जाता है, उस कंडीशन में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंच जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, यानी कि सिलिकॉन के केस में क्या है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं उतने ही वैकेंट प्लेस उत्पन्न हो जाते हैं। ये वैकेंट प्लेस इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। इन पॉजिटिव चार्ज यानी वैकेंट स्थान को हम होल कहते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे होल, ये क्या हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से फ्री होल और फ्री होल दोनों चार्ज कैरियर हैं जो करंट फ्लो होने में भाग लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो वहां एक होल उत्पन्न हो जाता है। जब इन मेटल्स के बीच मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो ये करंट फ्लो करने लगते हैं। जैसे जैसे पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती जाती है। तो कहने का मतलब इनको कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो स्टूडेंट हमने क्या है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का एक्सप्लेनेशन एनर्जी बैंड थ्योरी के बेस पर की। स्टूडेंट सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट माय चैनल सब्सक्राइब्स एंड माय वीडियो लाइक्स।